सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम टेस्ट सीरीज भी जीते तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच में होने वाली टेस्ट सीरीज को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। आपको बता दें कि भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान में जमकर प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे हैं और हाल ही में कप्तान विराट कोहली ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा बयान दिया है। इस बयान में विराट कोहली ने बताया कि किस तरीके से भारतीय क्रिकेट टीम के सभी फैंस वनडे व T20 फॉर्मेट की तरह टेस्ट क्रिकेट को भी ऊपर रख सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अपनी इस लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर विराट कोहली ने यह बात भी जतानी चाहे कि किस तरीके से भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी वनडे और T20 फॉर्मेट की तरह टेस्ट क्रिकेट में भी रोमांचक क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। इसी के साथ साथ अब अगर टेस्ट सीरीज की तरफ नजर डाली जाए तो आपको बता दें कि टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला इंदौर के स्टेडियम में खेला जाना है। अब इंदौर के स्टेडियम में भी कुछ खास वजह है जो कि भारतीय टीम को पहले से ही विजेता बना देती है। दोस्तों आपको बता दें कि इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारतीय टीम की विनिंग परसेंटेज टेस्ट फॉर्मेट में आज तक 100% रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज तक वहां भारतीय टीम ने महज एक ही टेस्ट मैच खेला है, वह भी न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ, और उस टेस्ट मैच को भारतीय टीम ने 321 रनों के बड़े से अपने नाम किया था। दोस्तों इस आंकड़े को जानने के बाद यह बात तो तय है कि भारतीय टीम के हौसले पहले से ही बुलंद होंगे। साथ ही आपको बता दें कि इस टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में कुछ ज्यादा बड़े बदलाव होने की संभावना नहीं जताई जा रही। आपको वही सब खिलाड़ी खेलते हुए देख सकते हैं जो कि हाल ही में वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीकी टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज का हिस्सा थे। दोस्तों इसके बावजूद टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया जा सकता है जो कि भारतीय टीम का हिस्सा होकर भी इन दोनों ही टीमों के खिलाफ आप सभी को खेलते हुए नहीं दिखे थे। जी हां, आपने सही पहचाना, इन खिलाड़ियों में सबसे पहला नाम सामने आता है ऋषभ पंत का। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साउथ अफ्रीकी टीम के खिलाफ रिद्धिमान साहा और ऋषभ पंत यह दोनों ही खिलाड़ी टीम का हिस्सा थे, लेकिन विराट कोहली ने साफ कर दिया था कि साउथ अफ्रीकी टीम के खिलाफ आप सभी को केवल रिद्धिमान साहा ही विकेट कीपिंग करते हुए दिखेंगे। ऋषभ पंत को एक भी मुकाबले में खेलने का मौका नहीं दिया गया। हालांकि इस बार हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली ने इस बात का जिक्र तो नहीं किया कि ऋषभ पंत को खिलाया जाएगा या फिर नहीं, लेकिन ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ऋषभ पंत को इस टेस्ट सीरीज में मौके दिए जा सकते हैं। इसके पीछे का बड़ा कारण यह है कि सभी चाहते हैं कि ऋषभ पंत की फॉर्म पहले से बेहतर हो, और रिद्धिमान साहा जहां एक अनुभवी खिलाड़ी हैं तो वहीं ऋषभ पंत को भी काफी अनुभव गेन करना है। ऐसे में यह दो मैचों की श्रृंखला कहीं ना कहीं ऋषभ पंत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। दोस्तों दूसरा और एक और छोटा बदलाव रहेगा कुलदीप यादव को लेकर। आपको बता दें कि कुलदीप यादव भी टीम का हिस्सा थे, लेकिन कुलदीप यादव को टीम में खेलने के मौके नहीं दिए गए क्योंकि रविंद्र जडेजा व रविचंद्र अश्विन टीम का हिस्सा जो थे। लेकिन आपको बता दें कि जडेजा और अश्विन यह दोनों ही खिलाड़ी लगातार वेस्ट इंडीज व साउथ अफ्रीकी टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे, लेकिन कुलदीप यादव को एक भी मुकाबले में मौका नहीं दिया गया, और अब जब भारत में सीरीज खेली जा रही है तो कुलदीप यादव को कंसीडर किया जा सकता है। दोस्तों यह दोनों बदलाव कितने ज्यादा प्रभावशाली हैं और विराट कोहली ने करना चाहेंगे या फिर नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन यह बात तो तय है कि अगर इन दोनों युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया तो न सिर्फ यह अपनी फॉर्म को बेहतर कर सकते हैं बल्कि टेस्ट क्रिकेट में अपनी जगह कायम कर सकते हैं। चलिए आपको फटाफट से बताते हैं कि इन दो बदलावों के बाद क्या हो सकती है टीम की प्लेइंग 11 पहले टेस्ट मैच के लिए। तो टीम की तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे हिटमैन शर्मा व मयंक अग्रवाल। इसके बाद टीम के मिडिल ऑर्डर को संभालेंगे कप्तान विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा व ऋषभ पंत। इसके साथ साथ टीम में ऑलराउंडर की भूमिका को निभा सकते हैं रविंद्र जडेजा, तो वहीं स्पिन गेंदबाजी में उनका साथ देंगे कुलदीप यादव। अगर तेज गेंदबाजी की बात करी जाए तो टीम में हमेशा की तरह मोहम्मद शमी, ईशान शर्मा, उमेश यादव अपना जलवा बिखेरते हुए दिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, ऋषभ पंत को पहले टेस्ट मैच में खिलाना चाहिए नहीं, इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी सभी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।